अलग तरह की वैकल्पिक राजनीति पूरे देश में ला रही है, और चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, गोवा हो, और पूरे देश भर में आगे किस तरह की राजनीतिक क्रांति आम आदमी पार्टी के माध्यम से हम लोग सब मिलकर लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में आप लोग से चर्चा करूँगा। यहाँ पे जितने उपस्थित यहाँ साथी हैं, साथ में जो फेसबुक के इंटरनेट के माध्यम से पूरे अमेरिका के अंदर जितने साथी हैं, चाहे वो मीडिया के हमारे सहयोगी साथी हों, चाहे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हो, सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग समय निकाल के आज इस इंटरेक्शन में हम लोगों के साथ, हम लोगों के बीच में है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले 15-20 मिनट में आप लोगों के बीच में किस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही है उसके बारे में चर्चा कर सकें, आगे किस तरह से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से रणनीति तैयार कर रहे हैं काम करने की, उसके बारे में चर्चा कर सकूं। और साथ में आप ओवरसीज़ के माध्यम से जो प्रदेश में यहाँ पर अप्रवासी हैं, भारतीय हैं, वो किस तरह से इस क्रांति में अपना सहयोग दे सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में अब 17 महीने हो गए आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की सरकार बने। इन 17 महीनों में बहुत से ऐसे काम हैं जो सरकार बहुत तेज़ी से कर रही है। हम लोगों ने चुनाव लड़ने से पहले दिल्ली वालों के बीच में घोषणा पत्र रखा था, जिसके माध्यम से 70 वादों की बात करी थी, और ये वादे बाकी अन्य राजनीतिक दलों में तो वादे बन के रह जाते हैं, 5 साल में भी शायद 5 वादे पूरे नहीं करते। मुझे ये आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी है कि 17 महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में उन 70 में से 23 वादे दिल्ली वालों के लिए पूरे कर दिए। इनमें कई ऐसी बातें हैं आप लोगों ने सुनी भी होंगी, अगर सबके बारे में मैं आप लोगों को बताने लगूँ तो शायद समय बहुत लग जाएगा, मगर कुछ 2-4-5 बातें ज़रूर आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। बिजली पानी के बारे में आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने दिल्ली में बिजली के रेट आधे किए, हम लोगों ने हर दिल्ली वाले को, हर दिल्ली वासी को 20,000 किलो लीटर पानी हर महीने मुफ्त कराया, और ये सरकार बनने के बाद पहले 15 दिनों के अंदर ये उपलब्धि है। इसमें पानी की अगर मैं बात करूँ तो पानी के जो सब्सिडी दी गई उसमें कई जगह से हम लोग की आलोचना हुई कि ये सब्सिडी मॉडल है, बाकी स्टेट बाकी प्रदेश भी ऐसा करते हैं, मगर ईमानदारी से अरविंद केजरीवाल की सरकार काम कर रही है और ईमानदारी से दिल्ली जल बोर्ड काम कर रहा है, उसका नतीजा ये हुआ कि 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने के बाद भी पहली बार हुआ है कि 23 साल में दिल्ली जल बोर्ड ने 187 करोड़ का मुनाफा कमाया। तो ये सामने है आप लोगों के पास कि ईमानदारी से काम किया जाए तो गरीब जो निम्न वर्ग है समाज का, पिछड़ा वर्ग है समाज का, उसको सहायता देने के बावजूद भी काम किया जा सकता है। मैं समझता हूँ राजनीति में, और अरविंद जी भी इस बात का जिक्र करते हैं, राजनीति में या सरकारों के पास पैसे की, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं होती है, अगर कमी होती है तो नीयत की होती है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 17 महीने में सही नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ वो सारे काम करने की कोशिश करी जो आज से पहले 50-60-70 वर्षों में हुए। अगर मैं दिल्ली वासियों की मूलभूत सुविधाओं की बात करूँ, मौलिक अधिकारों की बात करूं, तो 70 साल की आज़ादी में वो सारे काम नहीं हुए जिसपे आज 70 साल के बाद काम किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो। अगर स्वराज की बात करें, आप लोग सब जानते हैं शिक्षा में दिल्ली में पिछले 60 वर्षों में लगभग 800 नए स्कूल बनाए गए थे, और पिछले 17 महीने में हम लोग ने 8,000 नए क्लासरूम बना दिए हैं जो कि 200 स्कूलों के बराबर है। स्कूलों में 11वीं 12वीं की क्लास में विज्ञान की पढ़ाई हो रही है, कंप्यूटर उपलब्ध है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की, अध्यापकों की अटेंडेंस लगभग 60% रहा करती थी, पिछले 6 महीने से वो अटेंडेंस 90% के ऊपर है। तो ये दर्शाता है कि नीयत के साथ काम कर रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से फर्क पड़ रहा है। आज दिल्ली के चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, उन सब में कोशिश की जा रही है कि बराबर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्राइवेट स्कूलों के लिए एक बहुत बड़ा
कदम दिल्ली सरकार ने उठाया, क्योंकि दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूल बने हैं वो सरकारी जमीन पे बने हैं, मगर बेईमानी की वजह से उसमें जो छोटे वर्ग के लोगों के लिए रिजर्वेशन है, जो उनके लिए सीटें रखी जाती हैं कि उनको वहाँ निःशुल्क पढ़ाया जा सके, वो सीटें तक स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल जो है बेच दिया करते थे। दिल्ली सरकार ने कानून लागू किया कि जितने भी EWS कैटेगरी के, जो ये कमज़ोर श्रेणी के वर्ग के जो समाज के लोग हैं, इसकी सीटों पे निर्णय प्राइवेट स्कूल नहीं कर सकता, वो निर्णय लॉटरी के माध्यम से अब दिल्ली सरकार करती है। इसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 26,000 सीटें दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त है, जो कि आज से पहले कभी भी उसमें गरीब बच्चा नहीं पहुंच पाता था। आज उन 26,000 सीटों के लिए 77,000 बच्चों ने, गरीब बच्चों ने अप्लाई किया और 26,000 बच्चे वहां पे दिल्ली से प्राइवेट स्कूलों में वहां अच्छी पढ़ाई पा रहे हैं। अगर मैं स्वास्थ्य की चिकित्सा की बात करूं तो उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा मोहल्ला क्लिनिक के बारे में। दिल्ली में आज स्वास्थ्य को लेकर बड़ी समस्याएं हैं। अगर कहीं पे कोई बीमार पड़ जाता है तो या तो उसको सरकारी अस्पताल में 2-3 दिन 4 दिन लाइन लगाना पड़ता था OPD में, या वो कहीं प्राइवेट जाके दिखाए जहाँ पैसा ज़्यादा देना पड़े, या किसी झोला छाप डॉक्टर पे, किसी फर्जी डॉक्टर पे जाए जहाँ पे स्वास्थ्य को हानि पहुँच सकती है। आज ये मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से हम लोगों ने दिल्ली के अंदर 105 मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिए हैं, जो कि मार्च 2017 तक 1,000 हो जाएंगे। इन मोहल्ला क्लिनिक में आज निःशुल्क इलाज होता है और निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती हैं। हर मोहल्ला क्लिनिक में अंदाजन रोज के 150 मरीज आते हैं, तो 105 मोहल्ला क्लिनिक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग रोज निःशुल्क इलाज करा पा रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे हैं। लगभग 8 नए अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं, जो कि अगले साल जून के महीने तक चालू हो जाएंगे और वो सब में ये सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। आप ईमानदारी की अगर बात करें तो आपने ज़रूर सुना होगा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकार करती है, चाहे फ्लाईओवर बनाने के हों, चाहे रोड बनाने के, ब्रिज बनाने के हों। आपने ज़रूर सुना होगा कि 200-300-500 करोड़ का प्रोजेक्ट 1,000 करोड़ में पूरा हुआ। आपने ज़रूर सुना होगा कि 1 साल में ख़त्म होने वाला प्रोजेक्ट 2-3 साल में भी ख़त्म नहीं हुआ। दिल्ली सरकार ने 17 महीने में 3 बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए, जिसकी प्लान्ड लागत 1,000 करोड़ के लगभग थी, और वो तीनों प्रोजेक्ट लगभग 700 करोड़ में ख़त्म किए गए और समय से अंदर ख़त्म किए गए। और इसमें ये तो साथ में ईमानदारी का एक दृष्ट है ही कि किस तरह से ईमानदारी से काम किया जा रहा है। साथ में जो 300 करोड़ बचे वो अरविंद केजरीवाल ने सरकारी खजाने में नहीं जमा करा। वो जो 300 करोड़ बचे अरविंद केजरीवाल ने इसका भी ऐलान किया कि वो 300 करोड़ रुपये लेके सारे सरकारी अस्पतालों, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ निःशुल्क दी जाएंगी। तो इस तरह के बहुत काम समाज के उस तबके के लिए किए जा रहे हैं जो कि पिछले 60-65 वर्ष से पूरी तरह से महरूम रहा। हम लोग स्वराज की बात करते हैं, हम लोगों के देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना हर कमज़ोर वर्ग को सशक्त करना, मजबूत करना था। उनका सपना था सुराज का, स्वयं राज का, खुद के राज का। संविधान में भी इसके बारे में लिखा गया, मगर अफसोस की बात यह है कि 70 साल की आज़ादी में भी ये ज़मीनी स्तर पे कहीं उतर के सामने नहीं आया। आज दिल्ली के अंदर हर विधानसभा मोहल्लों में बांटी गई है और पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 4500 मोहल्ले बनाए गए हैं और हर मोहल्ले को अपनी एक राशि दी गई है, जिसके माध्यम से वो अपने मोहल्ले की छोटे मोटे काम खुद करा सकते हैं। आज जब मैं दिल्ली में, मैं द्वारका से विधायक हूँ, आज अगर आप दिल्ली में किसी भी विधानसभा में जाएं तो वहाँ पे जो उस मोहल्ले में रहने, गली में रहने वाले लोग हैं, उनको ना चक्कर काटने की ज़रूरत है नगर निगम पे, ना चक्कर काटने की ज़रूरत है अपने विधायक के यहाँ या सांसद के यहाँ। वो मोहल्ले के लोग आपस में बैठ के चर्चा कर सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये गली बननी है, हमारे यहाँ ये पार्क का सौंदर्यकरण होना है, हमारे यहाँ ये सीवर डलना है, और आपस में निर्णय लेके वो उसका काम करा सकते हैं। ये एक अनोखी बात है। जब ये पिछले साल इस तरह की मोहल्ला सभा का काम हम लोग ने शुरू किया, तो जब दिल्ली में दिल्ली वालों को, दिल्ली वासियों को हम लोग ने आमंत्रित किया कि आप लोग आइए मोहल्ला सभा में चर्चा करिए, तो बहुत लोगों ने इसको एक मजाक सोचा कि ये तो हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने तो ये सुना है
कि जो राजनेता होते हैं इस तरह की विकास की मीटिंग बंद कमरे में होती है, उसमें कितना पैसा विकास में जाता है, कितना पैसा उनके जेब में जाता है, ये भी नहीं पता चलता। मगर आम आदमी पार्टी ने ये साबित कर दिया कि वो मीटिंग ना बंद कमरे में होगी, ना वो मीटिंग विधायक के साथ होगी, ना मंत्री के साथ होगी, ना सरकारी अफसर के साथ होगी। वो मीटिंग मोहल्ले में रहने वालों के बीच में होगी, मोहल्ले के लोग तय करेंगे उनके मोहल्ले की क्या जरूरत है, क्या प्राथमिकता, और उसके हिसाब से काम होगा। सही मामले में, सही मसले से पहली बार 70 साल में स्वराज का सपना दिल्ली वासियों को देखने को मिला। इस तरह के कई और काम है जो दिल्ली में हो रहे हैं। हम लोगों ने एजुकेशन गारंटी की बात करी, हम लोग सब जानते हैं कि हम लोगों के देश में गरीब वर्ग के लोग हैं, बच्चे होनहार हों तो कई बार जमीन जायदाद इतनी नहीं होती है कि उसको गिरवी रख के बच्चे को आगे पढ़ा सकें। दिल्ली सरकार ने निर्णय किया कि अगर कहीं पे भी ऐसी समस्या होगी, बच्चा होनहार है, तो उसकी पढ़ाई इसलिए ना छूटे क्योंकि आर्थिक स्तर से उसका परिवार कमजोर है। आज ऐसे सारे बच्चों के लिए सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है, एजुकेशन गारंटी स्कीम, जहाँ पे कोई भी होनहार बच्चा अगर आगे पढ़ना चाहता है तो 15 लाख रुपये वार्षिक पढ़ाई का खर्च का लोन की एजुकेशन गारंटी जो है वो दिल्ली सरकार दे रही है। इसके माध्यम से पिछले 6 महीने में ये स्कीम चालू हुई है और 6 महीने के अंदर लगभग 850 बच्चे इस स्कीम का लाभ उठा चुके हैं। तो ये इस तरह के कई ऐसे अनेक कार्य चल रहे हैं। हम लोग अगर पर्यावरण की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, आप लोगों ने सबने दिल्ली में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया गया ऑड एंड इवन का, उसके बारे में सुना होगा। इस तरह के कई ऐसे कदम उठाए गए जो कि मैं समझता हूँ दिल्ली में और देश में पहली बार उठाए गए, और इन सब से अगर एक बात निकल के सामने आती है तो अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की नीयत, और नीयत से हम लोग ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से बदलाव किया जा सकता है और किस तरह से आगे काम बढ़ाया जा सकता है। थोड़ा मैं चर्चा अगर पंजाब की करूँ तो पंजाब या गोवा या देश की बात करें तो उसमें यहाँ पे क्या फ़र्क है। अगर हम लोग पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब हम लोगों के देश का वो प्रदेश है, वो सुनहरा प्रदेश है जिसको हम लोग गर्व मानते थे देश की। अगर पूरे देश के लोगों का पेट भरता था तो वो पंजाब का किसान हल जोत के पेट भरता था। अगर सीमा पे सुरक्षा की बात करें तो सबसे पहले जो बलिदान देता था वो पंजाब का जवान बलिदान देता था। अगर हम उद्योग की बात करें, चाहे छोटे उद्योग हों चाहे लघु उद्योग हों, तो चाहे लुधियाना की बात करें, अमृतसर की बात करें, जलंधर की बात करें, तो वहाँ पे कारोबार, वहाँ पे उद्योग सबसे आगे था। और सबसे बड़ी बात, अगर हम आज की पूरी एक पीढ़ी की बात करें तो पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में। और ये सारी बातें आप और मैं, हम लोग सब जानते हैं कि तभी संभव है अगर इस पर सरपरस्ती देश के, प्रदेश के सरकार की, प्रदेश के गवर्नमेंट की हो। पिछले 20-25 साल की राजनीति में पंजाब की ये दुर्दशा हो गई है जो हम लोग के सबके सामने है, और आज हम लोगों के पास, सबके पास मौका है कि उस पंजाब को दोबारा उस सुनहरे प्रदेश की तरफ ले जा सकें, दोबारा से पंजाब का एक निर्माण किया जा सके, एक नींव रखी जा सके, जिससे वही पंजाब लौट के हम लोगों के बीच में रहे जिसकी हम लोग सपना देखा करते, जिसकी हम लोग कामना करते। आज अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी को इस तरह का समर्थन और सहयोग मिल रहा है तो ये सहयोग और समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये साबित कर दिया है कि सही नीयत और ईमानदारी से देश और सोच बदली जा सकती है। आज अगर पंजाब में ये समर्थन मिल रहा है तो ये इसलिए मिल रहा है कि पंजाब के लोगों को ये यकीन हो गया है कि अगर पंजाब के बच्चों का भविष्य कोई बदल सकता है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बदल सकते हैं। आज अगर पंजाब में इस तरह का सहयोग मिल रहा है तो हम लोग इसलिए मिल रहा है क्योंकि वहां पे जो बच्चे हैं, जो नौजवान पीढ़ी है, वो अपने आप को, अपने भविष्य को संवारना चाहती है, देखना चाहती है कि कदम से कदम मिला के देश भर के, विश्व भर के युवकों के साथ, युवाओं के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। आज ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पंजाब में हम लोग जिस बदलाव की बात कर रहे हैं उस पर आप लोग सब हम लोग के साथ सहयोग करें। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि हम लोग यहाँ पे 15,000 किलोमीटर दूर रह के क्या कर सकते हैं। बहुत
आप लोग का महत्वपूर्ण सहयोग हो सकता है, आप लोगों का सहयोग डोनेशन के माध्यम से हो सकता है, आप लोगों का सहयोग और किसी तरह की सुविधाएं वहां पे जो चुनाव लड़ेंगे उन लोगों के लिए घर गाड़ी इस तरह की सुविधाओं को देके हो सकता है। मगर मैं समझता हूँ इससे कहीं ज़्यादा बड़ा सहयोग लोगों की सोच बदलने का है। जब आप लोग किसी न किसी समय अपने देश को छोड़ के यहाँ आए तो खाली हाथ आए, आप लोग यहाँ जब आए आप लोग ने अपनी मेहनत से अपनी नई तकदीर बनाई, अपने लिए एक नया उज्जवल भविष्य बनाया। आज जब पंजाब में पिंड में गांव में शहर में गलियों में मित्रों के साथ रिश्तेदारों के साथ आप लोग बातचीत करते हैं तो वो लोग आपकी तरफ देखते हैं, क्योंकि आप लोग एक उदाहरण हैं किस तरह से स्वाभिमान के साथ एक नई जिंदगी तैयार की जा सकती है। और आप लोग जब उन लोगों के बीच में बात करें चर्चा करें तो आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए अच्छी नीयत से काम किया जाए तो किस तरह से समाज का सुधार हो सकता है। और ये बात जब आप लोग करते हैं तो उसका वजन उसका महत्व तो कहीं ज़्यादा है जितना कि मैं या हम लोग या आम आदमी पार्टी के बाकी अन्य वॉलंटियर वहाँ बैठ के करते हैं। ये सहयोग आप लोगों को चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंकलाब हर समय नहीं आता है, कई सदियां लग जाती हैं कई दशक लग जाते हैं इंकलाब आने में। और आपको हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश का पहला इंकलाब तो 70 साल पहले हो गया पूरा, मगर इस दूसरे इंकलाब की लड़ाई में आपको और हमको साथ खड़े होना है। और इसलिए नहीं खड़े होना है क्योंकि पंजाब को हम लोग को बदलना है, हम लोग को इसलिए खड़े होना है क्योंकि आने आगे आगे आने वाली पीढ़ियाँ हम लोग से सवाल पूछेंगी कि देश में दूसरी आज़ादी की क्रांति चल रही थी तो हम लोग जाग रहे थे कि सो रहे थे, इसका जवाब हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को देना पड़ेगा। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस मौके पे खड़े होके मजबूती से पंजाब में इस बदलाव इस क्रांति के लिए अपना अपना योगदान दें। ये लड़ाई छोटी नहीं है, पहली आज़ादी की लड़ाई में 150 साल लग गए, आज इंटरनेट के ट्विटर के फेसबुक के ज़माने में 150 तो नहीं मगर 10-15 साल तो लग ही सकते हैं। आप लोगों को वो सब्र रखना पड़ेगा, आप लोगों को वो सोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग एक बात और आपको समझनी पड़ेगी कि दिल्ली में जिस तरह की सरकार हम लोग चला रहे हैं